अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा वीर मुनव्वर अली और तुसी वेखदे पए हो मुनव्वर पंजाबी वीर। दोस्तों ये साडा बिल्कुल नवा चैनल है ते बिल्कुल इहदे विच पंजाबी दे विलाग होणगे तुहाडे दोस्तां लई। ते सारे दोस्तां नूं बहिणां भाईआं नूं रिक्वेस्ट हुंदी साडी कि सानूं फुल सपोर्ट करिआ जे। तो साढ़े जिहड़े ये पंजाबी दे विलॉग ने उम्मीद है तुहानू बहुत पसंद आणगे ते तुहानू इस असी अपने विलॉग दे विच बिल्कुल नई चीज़ां विखावांगे पंजाब दे कल्चर दे मुताबक, पंजाब दे विच किहड़ियां चीज़ां इस्तेमाल कीतियां जांदियां ने खाण पीण दे हवाले नाल, किहड़ियां चीज़ां खाण दे विच नैचुरल चीज़ां इस्तेमाल कीतियां जांदियां ने, और इस तों इलावा मालूमाती पंजाब दे बारे जो वीडियो बहुत ज़्यादा विखाइया जाएगियाँ। तो उम्मीद है तुहानू साडे विलॉग बहुत पसंद आवणगे। तो जिन्हां दोस्तों नू साडी वीडियो पसंद आवे वो साडी वीडियो नू लाइक भी करन ते कमेंट भी अच्छे अच्छे करन, दोस्तों नाल शेयर भी करन, ते साडे चैनल नू जरूर सबसक्राइब करन ताकि आवन वाली, और इहदे नाल जिहड़ी बैल आइकन है उस नू जरूर प्रेस करन ताकि आवन वाली जिहड़ी नवीं वीडियो होवेगी उसका नोटिफिकेशन तुहानू बर वक्त मिल जाए। तो चलने अज दे विलॉग दी जानिब जी। तो दोस्तों अज असी आए हाँ अपने खेतों में, तो खेतों में दिखाने तुहानू असी की बीजा है ते केड़ी चीज़ देखने किस तरह की लगती है। ये असी जानवरों के वास्ते चारा बिजाई किया है। देखो माशाल्लाह सरसों के फुल निकले हैं, बड़े सोहने बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो अज धुंध भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो जदों ये धुंध खत्म हो जाएगी धुप्पा निकलनिया शुरू हो जाएगियां उदों फिर माशाल्लाह जिहड़ा ना इहदे फुल होर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। तो ये तुम हमने भी वेख सकते हो माशाल्लाह बड़े सोहने सोहने लगते पे, मैं तुम्हें करीब होकर विखाना। यह देखो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोनों तुम वेखते पे हो बहुत ज़्यादा है, हर पास कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तकरीबन तीन तो चार दिन हो गए ने बहुत ज़्यादा धुंध चली है। एक दिन धुप निकली सी ते फिर उदो बाद दोबारा धुंध शुरू हो गई, दरख्तों के पत्ते जड़े ना वो झड़ने शुरू हो गए न। ए वेखो तुहानू असीं विखा सकने कि दरख्तों के पत्ते जड़े ना, नाज़रीन ये सर्दी का मौसम ये धुंध आनी ये भी अल्लाह पाक की एक रहमत है, सानू इस तो मायूस नहीं होना चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसा ने जड़िया सर्दी के तैयार होंदिया ने सानू खाने मिलदियां ने, कुछ फल ऐसे ने जड़े सर्दी की वजह तो पकते ने सानू खाने मिलते ने। सर्दियों के फलों के जिस तरह तुम केला कर लो, अमरूद कर लो, माल्टा कर लो, मौसमी किन्नो, इस तरह जड़े ने चीज़ा ने वेजिटेबल ऐसा ने जड़िया सर्दी के तैयार काफ़ी होंदिया ने, बड़िया अच्छिया होंदिया ने खाने सेहतमंद सेहत वास्ते फायदेमंद भी होंदिया ने, वो भी सर्दी के ज़्यादा तैयार होंदिया ने। और सब तो मेन चीज़ जी है गंदम, वो सर्दियों के बिजाई की जाती ताकि ये क्योंकि लंबी फसल होंदी है, लंबा अरसा तक चलती है, छे माह की फसल होंदी है, इस वास्ते जड़ा ना ये सर्दियों के काश्त की जाती है। और सब्जियां बहुत सारिया ने जड़िया काश्त की जाए ने, असी जानवरों वास्ते चारा बिजाई किया असी, तो ये साइडा तो यह वेखो असी मूलियां बिजाई की माशाल्लाह बहुत सोहनिया खलियां ने, यह वेखो तुहानू नज़र आ रही काफ़ी इन चो असी निकाल के इस्तेमाल भी कर चुके हैं घर के रोज़मर्रा दे इस्तेमाल दे विच, यानी कि बंदा इन्हां नूं इवें ही खा सकता है, जमीन दे विचों कच्चियां निकाल के खा सकता है, पका के सालन दा बड़ा मज़ेदार बनता है। और जिहड़ा जानवरों के वास्ते चारा असीं बिजाई किया इहदे विच असीं शलजम बिजाई किए ने जिन्हों पंजाबी गोंगलू असीं कहिंदे आ, बड़े मज़ेदार होंदे ने सेहत वास्ते, मेदे वास्ते, हाजमे वास्ते बड़े ज़बरदस्त होंदे ने। और यह वेखो असीं चारे दे विच जिहड़े गोंगलू बिजाई किए सी देखो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त ने, तो निकालने हैं बड़े खूबसूरत ने, खाने वास्ते बेहतरीन होंगे ने, अंग्रेजी गोंगलू ने, ये देसी भी ने, बड़े ज़बरदस्त ने। और इस दे नाल असी अज जिहड़ा काम करन स्पेशली आए हैं, तो हाँ ए वेखो बहुत ज़बरदस्त, इनू चल के जो दो के खावे मेदे वास्ते बहुत ज़बरदस्त चीज़ हैगी, खाने वास्ते हाजमा दुरुस्त करता है। और मेन जिहड़ा काम असी अज करन आए हैं वह असी तुहानू दिखाने कि असी अज लैण आए सी साग, पंजाब दी एक
एक बहुत ही ज़बरदस्त सौगात है जिसनों साग कहा जाता है। चारे दे विच बिजाई किया जाता है सरसों का साग। सर्दी का मौसम होवे फिर नाल सरसों का साग होवे ते मकई दी रोटी होवे नाल मक्खन घी होवे ते नाज़रीन क्या बात है, क्या कहने। ये वेखो असी उन्हां ये गंदलां तोड़ियां ने, गंदलां का साग है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ये चल के असी पकावांगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। देखो नाल असी जिहड़े गोंगलू बिजाई किए हुए ने वो असी बूटे ने खाने वास्ते, तो असी तुहानू विखाने कि साग किस तरह का तोड़ना चाहिए जिहड़ा खाने वास्ते बेहतर हुंदा है, जिहड़ा पकान दे वास्ते भी अच्छा साबित हुंदा है। ए वेखो ये गंदल जिहड़ी निकली हुई ना, इस तरह का साग ये तोड़ी तो हुंदा है। ए वेखो गंदल निकली है माशाल्लाह, ये बड़ा खूबसूरत साग बनया है। ए वेखो इस तरह जिहड़ियां गंदलां निकल रही ने ना, गंदलां दा साग मक्खन मकई क्या बात है नाजरीन। पंजाब दे जिहड़े खाने ना बहुत ही ज़बरदस्त नैचुरल किस्म दे हुंदे ने। जिहड़ा शहरां दे विच साग आंदा है उहदे विच कुछ इस तरह के मवाद पाए जाते हैं कि इंसान के वो खाण नूं नुकसान देंदे ने। शहरां दे जिहड़े लागे साग बीजा जाता है वो इंसानी सेहत वास्ते एक आरामद नहीं होंदा, वो गंदा पानी लग्या होंदा है, ना ही साफ हवा आती है। इस वास्ते जिहड़ा पिंड दे विच साग बीजा जाता है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होंदा है, आला किस्म का जी। तो यह वेखो जिहड़े फुल ज़्यादा उच्चे निकल गए ने, ये तोरीए दे ने, जिहड़े सरसों के फुल होंदे ने वो नीवे तकरीबन रह जाते ने। उहदे विच जिहड़ा ना ये साग सरसों का थोड़ा जिहा कद दे हिसाब नाल छोटा होंदा है ते बहुत मज़ेदार बनता है, तोरीए का भी और सरसों का भी जी। तो दोस्तों असी साग तोड़ लिया है और नाल ही जिहड़ी गंदल है साग दी ए माशाल्लाह तोड़ के कच्ची इस्तेमाल करन नूं बड़ी ज़बरदस्त हुंदी है। मैं इस टाइम तोड़ के कच्ची इस्तेमाल कर रहा खा रही हाँ, बहुत सेहतमंद सेहत वास्ते अच्छी चीज़ होंदी है, ब्लड प्रेशर दे वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है। जिसका ब्लड कम हुंदा होवे उसनों सुबह नहार मुझ गंदलां जरूर खानी चाहिए, ब्लड वास्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंदियां ने। ते उम्मीद करने तुहानू साडा अज दा विलॉग बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों को गुजारिश है कि जेडे दोस्त साडे चैनल ते नवे आवन वो साडे चैनल नू जरूर सबसक्राइब करन, वीडियो नू लाइक करन, कमेंट बॉक्स दे विच अच्छे अच्छे कमेंट देवन ते दोस्तों दे नाल साडी वीडियो शेयर करन। ते मिलने आए फिर एक नवी वीडियो दे नाल, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।